वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अब कहीं ना कहीं सिर्फ आप कह सकते हैं कि 40 दिन करीब बचे हुए हैं, 40 से 41 दिन करीब करीब बचे हुए हैं, और वहां पर करीब करीब 5 एशिया टीम्स जो है, अफ्रीका 6 एशिया टीम्स जो है वो अलग अलग ग्रुप में फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेलती हुई हमें नजर आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं नेपाल को हम देख रहे हैं कि वो एशिया कप में जाने वाली, तो वहाँ फुल मेंबर के खिलाफ उनके मैचेस होने वाले हैं वहाँ पर। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप की बात करें तो वहाँ पर भी एशिया के खिलाफ जो है एशिया टीम जो है वो मैचेस खेलने वाली है। और वहीं पर यूएई जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने वाला है अगस्त में जी। और उसके अलावा अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फुल मेंबर्स के खिलाफ अभी शेड को इस साल कुछ मैचेस खेलने हैं। लेकिन ये आखिर जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम चाह रहे थे काफी वक्त से डिस्कशन करें, लेकिन प्रीमियर कप लंबा चल रहा था तो हमने इस वजह से वीडियो को स्किप किया। लेकिन आप जैसे कि हमारे पास टाइम है तो चलिए इस पर बात यहां पर की जाए। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और होता है आईसीसी का जब आप फुल मेंबरशिप की तरफ बढ़ते हैं कि आपको जो फुल मेंबर्स की टीम है, जो 12 टीम्स हैं फुल मेंबर्स की, उनके खिलाफ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जीत दर्ज करनी है, या तो आईसीसी इवेंट्स हो, बायलैटरल सीरीज वगैरह हो, उनके खिलाफ भी आपको जीतना ही है। ये क्रिटेरिया होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज बेहतर हो जाती है उनके खिलाफ खेलने से कि आप खुद को और बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि टेस्ट तो आपका तभी होगा जब या तो आप अपनी टक्कर की टीमों के साथ खेले या फिर आप अपने से बेहतर टीमों के खिलाफ खेले। और अगर आपको और ज्यादा बेहतर करना है और ज्यादा बड़ा बनना है तो आपको अपने बेहतर आपको बताते हैं कि कौन सी टीमें इन चीजों में पिछड़ रही हैं और वो क्या एक गलती कर रही हैं जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं उनका जो प्रोसेस है वो लंबा खिंचता चला जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अब तक जो अच्छी टीम्स हैं उन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस कितने खेले हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओडीआई और टी20 दोनों को मिलाकर, अगर हम दोनों को मिला देखिए इन दोनों में ही क्रिटेरिया कंप्लीट करना है। आप कितने भी ए लिस्ट है मैचेस या ये वगैरह उनके साथ खेल लें वो लर्निंग के लिए ठीक है, क्रिटेरिया के लिए आपको ओडीआई या टी20 में ही फुल मेंबर्स को हराना है। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को देख रहे हैं कि आप लर्न भी करें और क्रिटेरिया भी कंप्लीट हो, ये तो सिर्फ ओडीआई या टी20 खेल कर ही फुल मेंबर के खिलाफ हो सकता है। तो इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो जो भी 8 एशियन टीम्स हैं, हम यहाँ पर पीएनजी को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि पीएनजी अभी रिसेंटली उन्होंने खोया है, क्योंकि ये साइकिल जो उन्होंने खेला है कनाडा को अगले साइकिल से हम यहाँ पर जोड़े क्योंकि अभी तक उन्होंने यहाँ पर खेला नहीं है। क्योंकि जो 8 टीमें हैं एशियन की जो अभी प्रेजेंट ओडीआई स्टेटस वाली टीम है जो अब पीएनजी नहीं लेकिन फिर भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इन्होंने अब तक फुल मेंबर्स के खिलाफ अगर हम ओडीआई टी20 दोनों को मिला दें तो क्या टैली कहती है कि इन्होंने कितने मैचेस अब तक खेले हैं? जरा लिस्ट आपके पास है, जरूर समझाने की कोशिश करिए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम ऊपर से शुरुआत करें यानी कि सबसे ज्यादा जिन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेले हैं तो या बात करें नीदरलैंड उस पर विराजमान है नंबर 1 पर। अगर हम देखें 79 मैचेस उन्होंने खेले हैं अब तक फुल मेंबर के खिलाफ। वहीं पर अगर आप देखें दूसरे नंबर पर तो स्कॉटलैंड यहाँ आ जाती है जिन्होंने 63 मैचेस अब तक खेले हैं फुल मेंबर के खिलाफ। उसके बाद अगर हम टीम देखें तो यूएई, जी हाँ 46 मैचेस उन्होंने फुल मेंबर के खिलाफ खेले हैं। और उसके बाद हम बात करें तो नामीबिया जो कि सीधा 13 हो जाते हैं नंबर जो कि फुल मेंबर्स के खिलाफ उनके मैचेस हैं। काफ़ी बड़ा फासला यूएई और नामीबिया के बीच आप देख रहे हैं मैचेस का। वहीं पर उसके बाद की चीज़ें और बदतर या आप कहेंगे और हालात चेंज हो जाते हैं। आप यूएसए पे गए 5, उसके बाद 5 ही गेम यूएसए ने अब तक खेले हैं अपने फुल मेंबर्स के खिलाफ। नेपाल ने सिर्फ 5 गेम खेले हैं, सारे T20I हो या ODI हो सब मिलाकर। वहीं पर PNG ने 4 और ओमान ने 2 मैच फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले हैं इस पूरे अपने करियर में थ्रू आउट जब से उन्हें ODI मिला है। बिल्कुल, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ODI T20 मिलाकर ये कहीं ना कहीं हालात है, ओवरऑल मिलाकर ये हालात है कि एशियन की जो टीम से 8 टीम से जो है इन्होंने अब तक फुल मेंबर्स के खिलाफ कितने मैचेस खेले हैं ODI T20 मिक्स करके। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, यूएई काफी पुरानी टीम है, काफी वक्त से वो खेल रही है और उनके मैचेस भी काफी ज्यादा उन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ भी खेले हैं, अलग अलग क्वालिफायर्स में खेले हैं, वर्ल्ड कप्स में खेले, इवेंट्स में खेले हैं और एक आध बार उसके अलावा भी सीरीज भी उन्होंने खेले जरूर है। कभी एक मैच हुई, कभी 2 मैच हुई, वेस्टइंडीज के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जब ये फुल मेंबर बन रहे थे तब की भी हम बात कर रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ यहाँ पर जोड़ जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नामीबिया ने 13 मैचेस खेले हैं और इसमें से T20I ज्यादा है, 5 ODI नामीबिया के इसमें से और 8 T20I खेले हैं इन्होंने। अब यहाँ पर आगे आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, पहले इस पर डिस्कशन कर लें। यूएसए नेपाल 5-5 है, PNG 4 है, ओमान 2 है। सबसे पहले एंड यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा
यूएसए के बारे में, डेफिनेटली अभी 2019 के से उन्होंने नया साइकिल चालू किया है, पहले ये काफी पहले 2004 में मेरे ख्याल से फुल मेंबर्स क्लब आए, जी हां 2004 में कुछ मैचेस इन्होंने खेला था, शायद चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हुई थी वहां पर, शायद इन्होंने दो मैचेस खेले थे फुल मेंबर के खिलाफ, और बाकी यहां पर आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने दो T20I खेली थी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यूएसए को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी टारगेट करना चाहिए फुल मेंबर्स के लिए अभी सही, जब उन्होंने क्योंकि हम ये देखते हैं कि यूएसए में जो है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अभी इस वक्त पर एक ऑलरेडी वो फुल मेंबर के खिलाफ मैच कराकर ऑलरेडी उसका बहुत सारा बर्डन अभी चल रहा है, क्या कहेंगे आप? यूएसए अभी कम से कम फुल मेंबर की तरफ ना टारगेट करे खुद की तरफ से, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो पहले अपनी चीजें तो सुलझा ले। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी वो खुद अभी देखिए वो जो उन्होंने फाइनेंशियली ज्यादा लॉस में चल रहा है, जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेली थी सीरीज, बजट कुछ और था, खर्चे कुछ बजट से ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो उसका हिसाब नहीं है, तो ये सब बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है वहां पर, अलग से ही कुछ अपना चल रहा है, तो इस बीच में कोशिश जरूर करी कि शायद उन्होंने एक आप देखेंगे अभी इंडिया में आए थे वो एक ऐसा कुछ खेला उन्होंने, पर वो ही खेला फुल मेंबर से अभी भी ट्राई नहीं हुआ है कि फुल मेंबर से खेला जाए, उनसे कुछ बात की जाए, इस हालत में ये दिल्ली क्रिकेट डायरेक्ट कहेगा इस हालत में यूएसए क्रिकेट नहीं है कि वो फुल मेंबर से ऐसे डायरेक्ट बात करे और फुल मेंबर से साल में अगर आप देखें सीरीज वीरीज कराए, इस हालत में तो नहीं, अभी तो वो चेयरमैन और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर इन सब के में फंसा हुआ है बुरी तरह, तो अभी क्रिकेटिंग बोर्ड बहुत बुरी तरह, 2024 का वर्ल्ड कप बड़ी मुश्किल से हो पाएगा वहाँ पर, वो तो खैर दे चुके हैं इसलिए, वरना अगर कुछ बात बात हो जाती एट द लास्ट में टाइम होता वर्ल्ड कप आने में तो शायद कुछ चेंज भी हो सकता था, लेकिन देने के बाद चेंज बहुत मुश्किल से ही होता है। जी हाँ, वो देखना होगा, लेकिन ये सब सही कहा कि ये डायरेक्टर वो ये ऑफिसर है ना, ये मीटिंग वो इलेक्शन ये वो ये डिले वो उनके खिलाफ साल तो ऐसे चला जाए, लॉ सूट फाइल कर दिया ये कर दिया, मतलब इन्हीं सब चीजों में यूएसए के जो है 12 में से 6 महीने निकल जाते हैं, बाकी 6 महीनों में वो क्वालिफायर के मैचेस खेलते हुए नजर आते हैं। बायलैटरल सीरीजेस करानी हो, अरे चलिए फुल मेंबर तो छोड़िए, यूएसए अगर बायलैटरल सीरीजेस भी अपने एसोसिएट्स के बराबर की टीमों के साथ खेले वो भी देखने को नहीं मिलता, तो हम तो ये चाहेंगे यूएसए के लिए पहले वो बायलैटरल सीरीजेस खेलना शुरू करे अपने बराबर की टीमों के साथ, फुल मेंबर्स की तरफ तो बाद में बढ़े, एक फुल मेंबर के खिलाफ उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ रखवाया, उसको लेकर आप देख रहे हैं क्या रिपोर्ट वगैरह आएगी, बजट इतना था इतना खर्च हो गया ये हो गया वो हो गया बहुत सारा उसको लेकर घमासान चीजें हो गई, उसके बाद दुनिया भर की चीजें चलती रहती है क्रिकेट के अलावा, तो यूएसए का अभी प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो पहले अपने बराबर की टक्कर के एसोसिएट के खिलाफ साथी टीमें जो है ओमान यूएई नेपाल यूएसए जो भी ओडीआई सारी टीम है कनाडा भी हो सकती है जी, अब तो वो उन्होंने भी अर्न किया गेन किया जरूर वो भी वहां आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ पहले बायलैटरल सीरीज खेलना शुरू करें फुल मेंबर्स के खिलाफ, तो बात की बात यहां पर हो जाएगी। उसके बाद यहां बात करें नेपाल की, नेपाल की अगर बात करें यहां पर तो इतना जरूर है कि ये टैली थोड़ी बढ़नी चाहिए थी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि 2014 में आपने अपना पहला 80 इवेंट खेला, आपने वहाँ पर वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी चीज़ें बहुत स्लो हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सबको पता है कि आपने चीज़ें रही बैन लगा वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें आखिर हुई कैसे, वो सब चीज़ें रही ना, उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया। 2022 में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं जो क्रिकेट में आप सबसे छुपी भी नहीं है, चाहे वो संदीप से लेकर हो या फिर मैचेस से लेकर हो, कोचेस चेंज से लेकर हो, यहाँ फिर 2 साल वहाँ पर एक डेढ़ साल कोविड की वजह से वहाँ गया, तो ये बहुत लंबा जो प्रोसेस 2014 के बाद से लगा था कि 2014 के बाद से ये गाड़ी और तेज़ी से बढ़ेगी, जब यहाँ तक आते आते ये गाड़ी और बढ़ेगी, अब आपने जाकर एक एशिया कप के लिए क्वालिफाई जरूर किया है, लेकिन अभी भी कहेंगे कि फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर वो क्रिटेरिया का ध्यान नहीं देंगे तो आप कितना भी अच्छा कितने भी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करते रहे, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि वो क्रिटेरिया कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो आप कैसे पता चलेगा कि आप फुल मेंबर्स को हरा सकते हैं या फिर नहीं, सिर्फ क्वालिफायर से भिड़ना और उसमें अगर आप एक दो मैच में हार गए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गए, आपके दो मैच दोनों मैच में हार गए, तो बस वहीं पर बात खत्म, फिर आप एसोसिएट्स के भी मैच खेलने लगे, ये नहीं होना चाहिए आपको बीच बीच में ट्राई, अब आप ये सोचेंगे कि भाई बहुत पैसे लगते हैं तो आपको क्रिएट करना होगा, ये कब तक चलेगा कि मतलब पैसे नहीं है ये नहीं है बजट इशू है वो फुल मेंबर ज्यादा मांगते हैं, तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा, आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो है फैंस, जो किसी एग्जांपल के तौर पर 100 में से 80 एशियड की थी बल्कि 85 एशियड टीम्स के पास फैसिलिटी है ही नहीं, आपके पास फैंस है, आपके थिंक टैंक को ये सोचना है कि भाई हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, कैसे अपने पैसों को बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें, अर्निंग कैसे बढ़ाई जाए ताकि थोड़ा सा बड़ों की तरफ भी चले, क्योंकि कब तक आप ये सब डजे आए नहीं, एक चीज जरूर है सॉरी, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो सोच रहे होंगे कि इतना अभी क्या है, अभी तो पहले क्वालिफायर हम कर रहे हैं, अच्छा कर रही है टीम, आप बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सब क्राइटेरिया टिक हो रहा है कि क्वालिफायर खेलने का, T20 वर्ल्ड कप खेलने का, ये सब भी टिक हो रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन
ये क्रिटेरिया ही ऐसा है कि आपको ना चाहते हुए भी अगर आप चाहते हैं कि खर्चा है, ये है, पैसे नहीं है, ये आईसीसी नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आपने फुल मेंबर को हराया है या नहीं। ये क्रिटेरिया बहुत ज्यादा है, टी ट्वेंटी आई हो, ओडीआई हो, आपको हराना ही होगा। तो इसके लिए अगर आप ट्राई करना हो, इसके लिए सोचेंगे आप सीधा इवेंटों में जाके खेलेंगे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो या सीधा टी ट्वेंटी, मान के चलिए नेपाल 2024 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में पहुंच गया, मान लीजिए वहां जाके आपने फुल मेंबर के खिलाफ कोई गेम है, आप हार गए, तो फिर वो क्रिटेरिया तो कम्प्लीट ही नहीं हुआ। ऐसे तो फिर आपको 2026 का वर्ल्ड कप, बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी पता नहीं है कि नेपाल पहुंचेगा या नहीं, इसके ओडीआई में अगर नहीं पहुंचे तो फिर से 2027 का वर्ल्ड कप, तो इतना लंबा लंबा। तो इसी बीच में अगर सीरीज हो, बस इसी वजह से ये हमारा कहना है डेली क्रिकेट का, ये आखिर जो हम बता रहे हैं कि फुल मेंबर के खिलाफ खेलिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी मानेगा ही नहीं बिना क्रिटेरिया। क्रिटेरिया तो एक्चुअली आपको कंप्लीट करने ही होंगे, और इससे आपको क्या होगा, आपसे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी कि आप टफ टीमों के साथ खेलेंगे, अब ये नहीं कि साल में 50-50 सीरीज कराइए, इतना साल में आप एक दो सीरीज तो कम से कम फुल मेंबर के खिलाफ खेल सकते हैं, उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे क्रिटेरिया कंप्लीट करने के। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई गलत नहीं, ये नहीं कह रहा है डेली क्रिकेट कि आप पूरे महीने खेलते रहिए, हर महीने ऐसे नहीं है। क्रिटेरिया करने का मतलब एसोसिएट की हालत क्या है उनकी हम भी जानते हैं अच्छी तरह, इतने साल से जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ मालूम है कि केन्या की क्या हालत हो गई है, नाइजीरिया की क्या हालत है, नेपाल की क्या हालत है, ओमान और यूएई की कितनी हैसियत है, वो सब मालूम है, वो अच्छी तरह मालूम है। तो उस हिसाब से आपको एक दो सीरीज साल में अगर नेपाल यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश करें, क्यों, क्योंकि अब आप क्वालिफायर्स एम जब 2014 में खेल गए तो उसके बाद ये जरूर होना चाहिए कम से कम साल में एक दो मर्तबा ऐसा भी आए जहाँ पर टीम फुल मेंबर से करे और उस बॉक्स को टिक करने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओडीआई की, खासकर मैं ओडीआई की यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने सीधा हरा दिया फुल मेंबर को, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, टी ट्वेंटी तो आप कर भी सकते हैं लेकिन ओडीआई का भी क्रिटेरिया है वहाँ पर, हर टी ट्वेंटी का क्रिटेरिया नहीं है, ओडीआई का भी है, पर उम्मीद जरूर होगी कि नेपाल अब जल्द से जल्द इसको भी तेजी से बढ़ाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है बस इसी वजह से है कि 2014 में आईसीसी इवेंट खेलने के बाद अब तक टीम सिर्फ 5 बार फुल मेंबर के खिलाफ खेला है, ये नंबर्स डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, ये कम से कम बढ़ के 15 तक तो होने चाहिए थे, या कम से कम 12-13-14 तक तो कम से कम होना चाहिए था, जो हमें देखने को अभी नहीं मिला। तो ये अपने आप में थोड़ी हैरानी की बात है, इसी चीज को बढ़ाना ही होगा और बोर्ड्स को ये मेक श्योर करना होगा कम से कम एक आध से एक दो सीरीज तो एक साल में उन्हें कराना ही कराना चाहिए। और फुल मेंबर का मतलब ये नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, यही सोचकर मत चलिए, अगर आप आयरलैंड को हरा कर भी, अगर आप आयरलैंड को एक सीरीज हरा कर कोई क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उसकी उतनी ही अहमियत होगी आईसीसी नजर में क्राइटेरिया के लिए आपसे, जितनी आप इंडिया को हरा कर सकते हैं। क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, फुल मेंबर है, आपको हराना है बस, कैसे भी आप आयरलैंड से ट्राई करिए, लगातार कोशिश करिए, आयरलैंड है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, इन सब बांग्लादेश है, आप इन सबसे तो लगातार ट्राई करते रहिए कि ये कम से कम आकर आपके साथ मैचेस खेले या फिर आप उनके यहाँ जाकर मैचेस खेल सके, ये इंपॉर्टेंस टैली को बढ़ाना होगा, फिर उनके खिलाफ मैचेस थोड़े बढ़ाने होंगे, सिर्फ क्वालिफायर्स या फिर कप वगैरह में भिड़ना ये प्रोसेस को लंबा कर देता है। तो अगर आपने जीता तो ठीक है, आपने एक बॉक्स टिक कर दिया, लेकिन अगर आप हार गए बस आपको फिर अगले 2-3 साल का इंतजार करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आप बीच में बराटर सीजन के खिलाफ खेलते ही नहीं है, और अगर आप अगर इशू है बजट का तो फिर आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि एट द एंड बजट का इशू तो बोर्ड्स को अपने आप से डिसाइड करना होगा, क्योंकि डेली क्रिकेट को ऐसा लगता है कि शायद आने वाले वक्त पर और अश्योर्ड करना कट जाए। जी हाँ, बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है, वो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन आगे आप आपको उसको बात जरूर करेंगे कि 2024 में शायद एसोसिएट से थोड़ा सा और खींच लिया जाएगा, उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। वो न्यूज क्या है, बहुत ट्रस्टेड न्यूज है, वो 2024 में अप्लाई होने वाली है, तो ये अपने आप में एक और साइड बैक होगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेपाल के हम डेफिनेटली कहना चाहेंगे, आप जब अपना स्केल बढ़ा रहे हैं, आप बड़े इवेंट पे पहुंच रहे हैं, तो आप थोड़ा बड़ा करिए, बड़ा सोचिए, और सिर्फ सोचना नहीं है, ग्राउंड पे अप्लाई भी करना है। अब वक्त आ गया कि आप एक आध बैलेटर सीरीज भी खेले, और ओडीआई टी ट्वेंटी आए हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी जो एवे की टीम है वो सब लर्निंग के लिए बहुत अच्छी बात है, आप मैच खेल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथ साथ क्रिटेरिया भी कंप्लीट करते हुए चलना है। उसके बाद पीएनजी, डेफिनेटली पीएनजी की आप फिलहाल ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, पीएनजी के लिए आप किस तरह से चीज़ें हैं, क्या कुछ हमने एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ है, अब हमारे कम्युनिटी में चेक करिए, उसे अगर देखिए कि आगे पीएनजी के लिए आपके रास्ते किस तरह से खुल सकते हैं। ओमान की बात करें, कोई एक्सक्यूज नहीं है ओमान के लिए,
बिल्कुल ओमान को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, उनके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ग्राउंड ना फैसिलिटी ना बजट ना कुछ भी, उन्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एक मुंबई से खेला था उसके बाद वो सो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, ओमान क्यों नहीं करता, ये तो समझ से परे है, खाली स्पॉन्सर डील ये वो मोबाइल कम्युनिकेशन जुड़ रहे हैं उनके साथ, वो सब कर रहे हैं, डोमेस्टिक इतना अच्छा कर रहे हैं वो, उसमें बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक रैंक किया हुआ है, उम्मीद करेंगे कि डेज वाले डोमेस्टिक भी आ जाए, 3-day 4-day का डोमेस्टिक भी वहाँ चालू हो, ये उम्मीद जरूर रहेगी। लेकिन फुल मेंबर से क्रिकेट नहीं होते जबकि उनके टाइप थोड़े बेहतर हैं, कर सकते हैं, आपके पास काफी ज्यादा एक्सपोजर है, रिसोर्स फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग हैं, तो ये चीजें नहीं होना, टीम बैठी की बैठी रह जाती है, ऐसी ही रह जाती है, कोई इवेंट कंप्लीट हुआ पता ही नहीं चलता कि ओमान कहाँ है, क्रिकेटिंग मैप में भी है या नहीं है, तो बस आखिर ओमान चाहता क्या है कि थोड़ा अपने क्रिटेरिया को भी कंप्लीट, या फिर शायद हो सकता है ओमान के माइंड में कुछ और हो कि कोई दूसरा रास्ता हो, या शायद ये मालूम नहीं, लेकिन क्रिटेरिया आपको जरूर कंप्लीट करना होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप क्रिटेरिया को पूरा ही दरकिनार कर दें, उसके लिए प्लीज कुछ करिए, और आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं करते, ये तो हमें खुद नहीं समझ में आता कि आप बैठे के बैठे ही रह जाते हैं। 2022 में एक मीटिंग हुई थी ICC की, शायद जुलाई अगस्त में, वहां पर आपको याद होगा हमने भी ये न्यूज आपके सामने रखी थी कि जो UAE एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जो हेड है उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग में बात रखेंगे कि हमें भी फुल मेंबरशिप दी जाए। जी हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी कि नेक्स्ट फुल मेंबरशिप में हमें भी कहीं ना कंसिडर किया जाए, हमारे यहाँ बहुत बड़े मैचेस होते हैं वगैरह वगैरह, हमने भी काफी क्वालिफायर्स वगैरह खेल लिए कर लिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े टीमों के मैचेस होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इसलिए आपसे हमें कंसिडर करना चाहिए, ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा था। अब बातें जो भी हुई वो अभी पास्ट का, वो फ्यूचर का फ्यूचर ही रह गया, वो सब अभी तो होने वाला है, फुल मेंबर अभी तो किसी को अनाउंस होने वाला है नहीं इतनी जल्दी, वो उन्होंने अपनी बात वहाँ पर रखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उनके माइंड में एक चीज और यहाँ पर डाली गई होगी, उस मीटिंग में निकल के आया होगा कि अब हमें वक्त है कि हम अपना क्रिटेरिया भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो छोटे मोटे क्रिटेरिया बचे हैं वो भी हमें कंप्लीट करने की जरूरत है। और आप देखिए उस मीटिंग के बाद से एन अब तक की मैं बात करूं, वो अचानक से काफी फुल उम्र के खिलाफ मैचेस खेलने लगे, क्योंकि वो जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हराएंगे कैसे भाई, वो भले ही हारे लेकिन ट्राई तो लगातार कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने सीरीज खेली और उन्होंने एक मैच हरा दिया, आपको बता दें एक मैच उन्होंने हरा दिया एक फुल मेंबर को, ये उनके एक बॉक्स में टिक लग गया, और उसके बाद वो अगस्त में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं। अगर बाय चांस वो एक मैच जीत जाते हैं, तो अगर बाय चांस की बात कर रहा हूं, वरना फेवरेट्स न्यूजीलैंड बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी अब T20 क्रिकेट है, आपको बता दूं T20 में नाम मैंने श्रीलंका को हरा दिया, वो एशिया कप चैंपियन थे उस वक्त, श्रीलंका को हराया उन्होंने, तो अगर उन्होंने एक मैच हरा दिया एक और बॉक्स टिक, यानी ये माइंड में UAE की चल रहा है कि हमें अब मैचेस कराने हैं फुल मेंबर के खिलाफ, ताकि हमें अपना क्रिटेरिया भी कंप्लीट करना है, तब जाकर कहीं ना कहीं अपनी फाइल हम रख सकते हैं, फिर उसके अलावा दो तीन चीजें और रखेंगे और उससे मामला बन जाएगा। आप समझ गए होंगे दो तीन चीजों में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं है, ट्राई करिए, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो वो क्रिटेरिया कंप्लीट कब होगा, सिर्फ क्वालिफायर से कप्स के भरोसे रहना, अगर उसमें आप कर पाए तो नहीं कर पाए तो फिर अगले कप तक इंतजार करना, इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। बस यही कंसर्न हम आपके सामने उठाना चाह रहे थे कि कौन से एसोसिएट कितने पानी में है जब बात एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स की होती है। जाते जाते एक छोटा सा चार्ट आपके सामने बता देते हैं, अब इन्होंने जो मैचेस खेले उसमें जीते कितने हैं, ट्राई में कितने सक्सेस हुए आपको बता दें। देखिए नीदरलैंड ने 79 मैचेस में 16 जीते हैं, स्कॉटलैंड ने 63 मैचों में 8 जीते हैं, UAE ने 46 मैचों में 5 जीते हैं, नामीबिया ने 13 मैचों में 5 जीते हैं, इसमें जो 5 जीते हैं पांचों के पांचों T20 आए हैं उनके लिए आए हैं, USA ने एक भी नहीं जीता, नेपाल ने एक भी नहीं जीता, PNG ने एक भी नहीं जीता और ओमान ने एक भी नहीं जीता। इससे ये भी पता चलता है कि उन ऊपर की टीमों ने जो टॉप 4 की टीमें हैं उन्होंने जितना ज्यादा वो ट्राई करते चले गए उतने ज्यादा उनकी विन की टैली बढ़ती चली गई। और आप देख रहे हैं जिन दो टीमों ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है, ट्राई भी जिन्होंने सबसे ज्यादा किया है और जीत दर्ज सबसे ज्यादा किया है, भले वो पुरानी टीम हो लेकिन आखिर मैचेस तो उनको मिले हैं, जीत दर्ज किया है वही इस वक्त अगली फुल मेंबर्स की रेस में भी सबसे आगे हैं। क्या कहेंगे, ये चार्ट ही अपने आप में एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा, अगर जो चाहे तो ये यकीन नहीं तो लेकिन इसको आप मान भी सकते हैं, बाद में जब यकीन होगा जब आप फुल मेंबर मिलेगा किसी को तो इन दोनों टीमों को ही बहुत चांसेस हैं कि मिलने की उम्मीद है, और अगर BCCI अगर हेल्प करता है तो UAE को मिल सकता है। जी हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, पर नीदरलैंड और स्कॉटलैंड बहुत आगे हैं कि इस अगर आप फैक्ट पे जाएंगे तो नीदरलैंड और स्कॉटलैंड अभी आगे चल रहे हैं कि हाँ हमें ज़रूर हम रेस में आगे हैं, और UAE जो है वो भी बिल्कुल रेस में है, वो BCCI के हाथ से रेस में है, उनका रिजल्ट भी यहाँ पर बहुत बेहतर है। अगर हम बात करें 46-5 है, लेकिन ये हमें देखना होगा कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ODI T20I, क्योंकि ODI के काफ़ी क्रिटेरिया है, हराना उसमें भी है और T20I में भी हराना है, जो कि UAE काफ़ी ट्राई कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों टीमें अभी सबसे ज़्यादा रेस में है, सबसे ज़्यादा चर्चा में होंगी, ICC की टेबल में फुल मेंबर देना है, तो
किसे देना है, इन दोनों को या किसी तीसरे को भी मिक्स करना है, उनमें से किसी दो को देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप फैक्ट में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे, एक पूरे क्रिकेटर के तौर पर जाएंगे, तो नेदरलैंड्स हमारे डेफिनेटली फेवरेट। लेकिन हमने आपसे पहले कहा था कि यूएई जो है किस तरह से एक और रास्ता है, एक तो क्रिटेरिया कंप्लीट करने का रास्ता होता है, एक और रास्ता है फिल्म मेंबरशिप हासिल करने का, वो अभी नहीं, क्योंकि हम आपको बताएं कि हम हमेशा आपके सामने रियल फैक्ट की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई इसी के सहारे उनकी चाल चलते रहो। ये आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सारे रास्ते हो गए। एक और रास्ता है जो हमने आज से 8-9 महीने पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि एक और कौन सा रास्ता है जिसके सहारे यूएई, और उसी रास्ते के सहारे यूएई टारगेट कर रहा है, दूर कहीं ओमान भी उसके पश्चिम पर चलने लगा है दूर से, लेकिन अभी वक्त है, लेकिन यूएई उसी पश्चिम में चल रहा है। बस उसके साथ साथ वो चाहता है कि लगातार मैचेस खेल कर थोड़े से अगर आप एक आध मैचेस हराना भी चालू करते फुल मेंबर को, अच्छा कम से कम क्रिटेरिया कम्प्लीट करके एक फाइल अच्छी बन जाएगी। बाकी वो क्या रास्ता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और साथ साथ में आप हमारे वीडियोज पुराने देख सकते हैं। बस यही था, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नेपाल से उम्मीद है, बाकी टीमों से उम्मीद है, यूएसए का सन पहली का उनसे अभी उम्मीद नहीं है, डायरेक्टली उम्मीद नहीं, बिल्कुल यूएसए से नेपाल से उम्मीद है, क्योंकि आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज बहुत अरेंज करता है और कोशिश करते हुए। ये बात है, हमें पूरे साल नेपाल की सब सीरीज देखने को मिलती है, काम करता है, इसके लिए टाइम को पूरा थैंक्स कहना चाहिए। बस अब इसका बार थोड़ा सा जरूरत है, फुल मेंबर्स का कि आप क्रिटेरिया भी साथ साथ में कंप्लीट हो, और साथ साथ में आप जो है अपना जो है लर्निंग भी बहुत बेहतर हो सके, टेस्ट आपका प्लेयर्स का बेहतर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट रखिएगा, जैसे कि क्रिकेट आपके सामने हमेशा रियलिटी पेश करने की कोशिश करता है, और वही आज भी हमने प्रेजेंट किया है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स, और हमारे राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।